बढ़िया, बहुत गर्मी हुई, इतना शूटिंग किया, इतना शूटिंग क्या बात है, कितना शूटिंग किया, पूरा एसी में अंदर बैठ के इतना शूटिंग किया, यहाँ पे हालत देख रहे हो। Make a movie. I'll pick you up. We'll go eat sushi. Or we'll go downtown. With our best moves, we can boogie. Oh. My oh my, we both look so fly, like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. Final few days of 2024 are left and I think ये one of the best time होता है साल का, क्योंकि साल भर हम लोग जितनी मेहनत करते हैं ना, उतनी सारी मेहनत हम लोग फन के तौर पे वसूल करते हैं इन आखिरी के तीन महीनों में। I know a lot of you must be enjoying the festivals with your friends and family and आप लोग बहुत outings भी plan कर रहे होंगे and specially मेरी ऐसी चौपमंच audience के लिए आज मैं आपको लेके आई हूँ अलीबाग के एक ऐसी चुम्मेश्वरी location पे। It's a very luxurious property which is available at a very budget rate right now, बहुत अच्छी offer price चल रही है and मुझे जब पता चला ना, I just couldn't wait any longer. I was like, मुझे आपको दिखानी है जगह। So आज मैं आपको लेके आई हूँ ब्लू लोटस विला में and right now I'm standing outside along with their beautiful pool. यहाँ पे वॉटरफॉल चल रहा है, आपको आवाज भी आ रही होगी, बट वो इतना सुंदर लग रहा है ना कि मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं उसको बंद करूँ। सिंस इट्स अ 3 BHK लग्जरियस विला, आप लोग को पता है कि मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीट मेरा स्टेकेशन एक्सपीरियंस बताऊंगी, अलॉन्ग विद इट ऑल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको क्या क्या अमेनिटीज मिलती है, प्राइसिंग कैसे है, खाना कैसा है, आप लोग क्या क्या मस्ती कर सकते हो, सब कुछ आपको इस एक वीडियो में मिलेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टी टूर, आई वांट टू वेलकम यू ऑल जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं। हाय गाइस, माय नेम इज शमा एंड आई क्रिएट कंटेंट अबाउट फूड, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग फॉर ऑन चौपमंच रिपीट। सो इफ एंजॉय वाचिंग माय वीडियोस एंड फाइंड देम हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड विद दैट वीडियो से शुरुआत करते हैं, टूर से शुरुआत करते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, यहां पे अंदर चलो। वेलकम टू द ब्लू लोटस विला, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी। एक तो यहाँ पे आने का रास्ता इतना खूबसूरत है, वो हम लोग नहीं गाड़ी में बैठ के वीडियोस बनाते हैं स्टोरी के लिए, वैसे बहुत सारी वीडियोस आप बना सकते हो, इट्स दैट प्रीटी। एंड देन यहाँ पे ना ये है इनका गेट, यहाँ से हम अंदर आके दिस इज द विला। तो यहाँ पे आपको पार्किंग स्पेस दी हुई है, आई थिंक यहाँ पे 2 से 3 गाड़ियां आराम से लग जाएगी, हमारी गाड़ी पार्क्ड है। एंड यहाँ से इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, एक्चुअली देर आर 2 एंट्रेंस, 1 एंट्रेंस इज फ्रॉम दैट साइड ऑल्सो, बट उससे पहले हम लोग नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल एंट्रेंस से एंटर करते हैं। कम विद मी। सो यू कैन सी एज यू एंटर इन साइड, वी आर नॉट येट इन साइड, बट ये बाहर के एरिया में प्रिटी लॉन। वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड हियर इज सो मेनी प्लांट्स दे हैव एंड इतने खूबसूरत, इतने अलग अलग है, आई मीन यू कैन सी कि बहुत सारे आपको फूल के दिखेंगे, ऐसे भी प्लांट्स बहुत प्यारे प्यारे है। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ आवर प्रॉपर्टी, अब मैं आपको बिल्कुल वेट नहीं कर सकती दिखाने के लिए, बिकॉज आई हैव लव्ड द विला सो मच, कम विद मी। So as you enter inside the villa, here we have a lovely drawing room. इतना spacious है ना ये, आपका एकदम आते ही दिल खुश हो जाएगा। First of all, drawing room में they have given very comfortable sofa sitting. यहाँ पे आप बैठ सकते हो, बहुत सारा chill कर सकते हो। And this place is so good for groups. मतलब if you can see, इतनी बड़ी space है ना कि आप बड़े से बड़े group में बहुत मजे कर सकते हो। One thing that I've truly liked in this villa is this. Oh my God, look at this. कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हम फोटोज खींच रहे थे, बहुत अच्छी फोटोज आ रही थी। एंड ये ना बिल्कुल ऐसे इतनी अच्छी लोकेशन पे है कि पीछे पूल दिख रहा है, सामने ड्रॉइंग एरिया है, सब लोग बैठे, यू आर हैविंग अ गुड टाइम, आपको पूरी वाइब आएगी यहाँ पे। Here's the TV unit. यहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी amenities मिलेंगी जो आपको मेरे आने वाली वीडियो में अभी आगे आगे दिखेगी। But before showing you anything else, I wanna take you all to the best part, जो मुझे सबसे खूबसूरत लगा। Yes, I'm talking about the dining area also. You can see हमारा खाना already लगा हुआ है वहाँ पे। But before going there, come here. यहाँ पे आपको मिलता है drawing room से सीधा सीधा swimming pool का access. How beautiful is this? ये ना बहुत बड़ा swimming pool है, मतलब group के लिए तो जबरदस्त है। And पानी भी अच्छा भरा हुआ है। There's a cascade waterfall which is looking lovely. And you know another best thing is this gazebo. How pretty is this? Socho ab raat ko yahan pe baithoge. I can't wait to show you raat ki lights. Maine bhi dekhi nahi hai. But I'm very excited looking at this setup entirely. Kitna mazedar lag raha hai ye. Yahan pe aap baith sakte ho, party kar sakte ho, chill kar sakte ho. Bahut sari space hai. Poolside parties ke liye to I think it's fantastic. Yahan pe bada wala swimming pool to hai hi, but bachcho ke liye they have given this baby pool also. Abhi jaise hi thodi si dhoop niche jayegi na, hum bhi pool mein jayenge. But I'm so excited. This looks very beautiful. Now from here on, I want to take you all to the bedroom. बहुत धूप लग रही है बाहर अंदर, चलो बहुत टैनिंग होने वाली है।
अनदर गुड थिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी इज ये फैमिलीज के लिए बहुत अच्छी है. आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि ये पूरा विला है ना एक लेवल पे है, सो आपको तीनों बेडरूम्स नीचे ही मिलते हैं. आई विल शो यू द बेडरूम्स वन बाय वन. दे आर सो ब्यूटीफुल, दे आर सो लग्जरियस, यू गाइस आर गोइंग टू लव इट. बट सारे बेडरूम्स ना नीचे है एंड सारे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है एंड ऑलमोस्ट टू प्रिटी है. कम विद मी. सो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम. लुक एट द वाइब, इट्स सो ब्यूटीफुल. मैंने अंदर एसी चालू करके रखा है एंड मुझे इतना कोजी, इतना प्यारा लग रहा है. मस्त कॉम्फी बेड है यहाँ पे. यहाँ पे आप बैठो, एसी लगाओ, चिल करो. आई थिंक यू गोना हैव अ ग्रेट टाइम. एंड इसी के साथ ना व्हाट आई लाइक दिस दैट दे हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर अ कंफर्टेबल स्टे. सो यू कैन सी देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेसिंग मिरर. बहुत अच्छा लग रहा है. दीज एलईडी लाइट्स लुक वेरी प्रिटी. इसमें सेल्फीज बहुत अच्छी आती है. अलॉन्ग विद इट ईच बेडरूम हैज एन अटैच्ड वॉशरूम एंड यू कैन सी इवन द वॉशरूम्स आर सो स्पेशियस. एवरीथिंग दे हैव प्रोवाइडेड टॉयलेटरीज एज वेल एंड देयर इज दिस अलमीरा एज वेल. तो आप अपना सामान भी काफी अच्छे से सेफ्टी से रख सकते हो. ओवरऑल ventilation in the room and the access to everything, I think it makes me very happy. Another bedroom is right opposite the first bedroom is this. Yaar, ek ek bedroom mein jaake na mujhe aisa lag raha hai main abhi so jao, because it is actually very hot outside. To andar aise air conditioned villa mein aap log ko pata hai bahut acha lagta hai. Aap log aate rehte ho meri videos dekhe, I know about that, reading your comments, but ye bhi you know bahut hi khoobsurat bedroom hai. Overall I love the color theme they have used, you know, ye pastels and wooden, I love it. It looks very beautiful, it looks very वेलकमिंग. तो बस कपल्स में आ रहे हो, कपल ग्रुप्स में आ रहे हो, फ्रेंड्स में आ रहे हो, फैमिली में आ रहे हो, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, बच्चों के साथ आ रहे हो, पूरा 10/10 आई थिंक आपको वाइब बहुत अच्छी मिलेगी यहाँ पे. प्लस ये नागांव में लोकेटेड है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है. मुझे अराउंड नवी मुंबई से यहाँ पे पहुंचने में कुछ 2 घंटे लगे हैं एंड इट हैज बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी. सो आई थिंक आप लोग भी बहुत मजा आएगा. अगर M2M से भी आना चाहते हो ना, देन ऑल्सो इट्स अ फैंटास्टिक ऑप्शन. एंड विद द फाइनल बेडरूम, वैसे मुझे आपका फाइनल बेडरूम दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये भी बिल्कुल सेम है. बट यू नो दिखाने का पर्पस ये है कि आपको पता है मुझे मेरे वीडियोस में पूरी प्रॉपर्टी दिखाना पसंद है. आई डोंट वांट कि आप मेरे देख के बुक करके आओ एंड देन यहाँ पे यू शुड हैव एनीथिंग ऑफ एज अ सरप्राइज, स्पेशली एनीथिंग दैट यू वांट प्रेफर. सो ये है तीसरा बेडरूम. सारे बेडरूम इतने खूबसूरत है, ये भी इक्वली ब्यूटीफुल है. स्पेशल मेंशन टू द ब्यूटीफुल लाइटिंग एंड दिस वॉल पैनलिंग, आई थिंक इट लुक्स फैबुलस. एंड विद दैट आई एम गोना एंड दिस रूम टूर एंड प्रॉपर्टी टूर राइट हियर. आई एम वेरी हंग्री राइट नाउ. मेरे दोस्त लिटरली बहुत इंतजार कर रहे हैं खाना खाने के लिए. सो लेट्स हैव सम गुड फूड, कम ऑन. Pick a movie, I'll pick you up, we'll go eat sushi, or we'll go downtown, with our best moves we can boogie, oh. Babuji zara dheere. Hi guys. Hi guys. और मैडम बताओ आपको कैसा लग रहा है इसमें? बहुत ही बढ़िया, बहुत गर्मी हुई, इतना शूटिंग किया, इतना शूटिंग. क्या बात है, कितना शूटिंग किया, पूरा एसी में अंदर बैठ के इतना शूटिंग किया. यहाँ पे हालत देख रहे हो, माई गॉड. वी जस्ट फिनिश आवर लंच, वी जस्ट फिनिश आवर लंच नहीं, लंच फिनिश करके बहुत टाइम हो गया. अभी हम लोग अंदर बैठे थोड़ा चिल कर रहे थे एंड फाइनली द धूप इज डन. इतना अच्छा लग रहा है, अब पूल में जाएंगे. बिल्कुल. Our best moves, we get groovy, huh? My, oh my, we both look so fly, like sweet apple pie, yeah, they want a piece of us. My, oh my, when we drive on by, they just can't deny, yeah, they wanna be like us. गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स डे 2 एट द ब्लू लोटस विला. आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस, बट कल तक मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ था, अभी तो ये पूरा गॉन है. ये इतनी भी आवाज इतनी मुश्किल से निकल रही है. वी हैड सो मच फन लास्ट नाइट, ओ माई गॉड, इतना मजा आया. यहाँ पे रात का एम्बियंस है ना, डूड इट्स रियली ब्यूटीफुल. एंड यू नो आपको ऐसी वाइब आएगी ना पूल एरिया की, इधर आप इधर साइड में बैठोगे गज़ीबो के यहाँ या फिर पूल में. वैसे पूल के टाइमिंग्स है 8 AM to 8 PM, बट इट्स बीन अ लॉट ऑफ फन. वी हैड अ गुड डिनर लास्ट नाइट, अभी सुबह हुई है. आज हमारा चेकआउट है, 11 बजे का चेकआउट है, तो वी हैव इनफ टाइम ऑन आर हैंड्स, क्योंकि अभी भी सिर्फ आई थिंक 8:15 बजे. सो वी आर जस्ट थिंकिंग कि अभी मस्त यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्वाइट लग रहा है. अलीबाग में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादा क्राउड नहीं होता एक तो, एंड बहुत आपको ऐसे मतलब 2 घंटे के डिस्टेंस पे आके भी आपको बहुत ऐसे लगता है कि आप बहुत दूर आ गए हो. तो एकदम वो एक फीलिंग होती है ना ट्रैवल करके, आप कहीं पे आए हो एंड देन यू आर हैविंग फन, तो वो वाली फीलिंग यहाँ पे एकदम 10/10 आती है.
सेट टू चेक आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, मन तो नहीं कर रहा बट जाना पड़ेगा क्योंकि जब तक एक प्रॉपर्टी से निकलेंगे अगली प्रॉपर्टी में कैसे पहुंचेंगे। बट आई एम गोना एंड दिस वीडियो राइट हियर। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस शॉर्ट एंड स्वीट व्लॉग। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू नो व्हाट टू डू, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। वैसे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बुक दिस प्रॉपर्टी एंड कम हियर, प्लीज डू दैट एंड डू टैग अस इन योर स्टोरीज, आई वुड लव दैट। इस वीडियो का शाउट आउट जाता है श्रीनाथ हंगल को। थैंक यू सो मच श्रीनाथ फॉर योर लवली कॉमेंट। आप लोग ऐसे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हो ना तो मुझे और ऐसी वीडियोस बनाने का मन करता है। एंड विद दैट आई एम गोना एंड दिस वीडियो राइट हियर एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।